यहाँ मैंने थोड़ा सा चावल रखा है बॉईल होने, मतलब ये मैंने पानी रखा है बॉईल होने के लिए। इसमें मैं चावल बेसिकली बॉईल करूँगी। ये चावल मैंने सोक कर दिया है और ये बेसिकली डुबार राइस है, ठीक है। तो ये सोक हो चुका है अच्छी तरह। इसमें बस एक बॉईल आ जाएगा ना, तो इसमें ये उबलने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा पनीर भी रखा है। तो एक वन पॉट मील बनाएंगे एकदम इजी वाली, साथ ही साथ। और थोड़ा मैं आपको सामान दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा अच्छे से नमक आपको इसमें डालना है। एंड देन डालेंगे थोड़ा ऑयल भी, बस एक छोटी चम्मच जैसा तेल, और इसको उबलने दें। और आप इधर देख रहे हो बहुत सारा सामान रखा हुआ है। बेसिकली दो मैंने बोल लिए हैं, एक में हम बनाएंगे गनाश और एक में करेंगे चॉकलेट मेल्ट। यहाँ मैंने लिया हुआ है अमूल का मिल्क कंपाउंड। आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो, बट मैं ये सामने खुशी के लिए बना रही हूँ, मेरे को डार्क चॉकलेट का टेस्ट उतना पसंद नहीं आता है। और मेरा ये अमूल फ्रेश क्रीम थोड़ा सा बचा हुआ रखा था, तो बेसिकली इसी को यूटिलाइज करने के लिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। बहुत कुछ आप बना सकते हो, आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग दिस, सामी खुशी को पसंद आएगा। और यस, यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी भी मैंने रखा हुआ है, कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। और चाहिए हमारी बिस्किट्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग गनाश बना लेते हैं, क्योंकि इसको ठंडा भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मिक्सिंग बोल में चॉकलेट लेना है और क्रीम लेना है। गनाश के लिए बेसिकली 2:1, 1:2, 1:1 हर तरह के रेशो वाला गनाश आप बनाते हो। हम बिना मेजरमेंट के, मतलब सिंपल थिक वाला गनाश बनाएंगे। 1:1 आप ऑन सेफर साइड होकर ले सकते हो, यानी कि जितना आपने क्रीम लिया है उतना ही आप चॉकलेट ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता तो भी कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत हाई फाई रेसिपी हम लोग नहीं बना रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल स्नैक। और यहाँ पे मैं ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं ले रही हूँ, और मैंने एक ही बोल में क्रीम भी चॉकलेट भी साथ ही रख दिया है। इसे डबल बॉयलर मेथड से मैं पकाऊंगी। बहुत लोग क्रीम को पहले गरम कर लेते हैं, उबालना नहीं होता है, गरम करना होता है। उसमें से आपको ऐसे धुआं जैसा दिखने लगे ना, जैसे दूध गर्म होने के बाद उसमें से भाप जैसी निकलती है, तो बस उसे बंद कर लेते हैं और उसके बाद उसमें चॉकलेट डाल देते हैं और उसकी हीट से ही चॉकलेट पिघल जाती है। बट मैंने डबल बॉयलर पर रख दिया है ये बर्तन। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया, इसके अंदर डाली है थोड़ी सी कॉफ़ी आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हो। ये मिक्सचर रख दीजिए साइड में, और जैसे ही मेरी जो क्रीम है ये गर्म हो गई तो मैंने गैस कर दिया बंद। देखिए नॉब मैंने बंद कर दिया है, और इस गर्म क्रीम के अंदर मैं ये चॉकलेट फोल्ड करूँगी। आपको वापस गैस नहीं ऑन करना है, एक बार आप फोल्ड करना शुरू करेंगे चॉकलेट को, ये इस हीट में अपने आप फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पर राइस भी पैरेलली तैयार हो गया, मैं बस चेक कर रही हूँ, मेरे हिसाब से एकदम ही ठीक है ये। तो गैस ये वाली भी कर देंगे बंद, और ये जो राइस है इसको अभी छान लेंगे, और छानने के बाद इसको एक बड़े बर्तन पे फैला देंगे। छलनी में देखिए कैसे बल्क हो गया है ना, तो नीचे का राइस गलता चला जाएगा। अच्छी तरह से इसे झाड़ लीजिए और इसको तुरंत ही एक वाइड बर्तन में फैला दीजिए, और इसको रख दीजिए अभी साइड में। और ये पुलाव करने के लिए आप डेफिनेटली लेफ्ट ओवर राइस भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर फ्रेशली राइस कुक कर रहे हैं मेक श्योर थोड़ा सा उसे आप ठंडा कर लें। और ये जो है ये बेसिकली आपका गनाश हो चुका है रेडी। इसको थोड़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा रूम टेम्परेचर आने देंगे। आप इसे फ्रिज में रख पाएं तो और भी अच्छा है। और ये है दूसरा और चॉकलेट, इसको माइक्रोवेव कर लूंगी मैं, इसको भी पिघलाना है। बाय द वे, जो बिगनर है किचन में, मेरा मतलब बेकिंग में, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन गनाश और ये पिघला हुआ चॉकलेट। तो पिघला हुआ जो चॉकलेट रहता है ना, ये पिघलने के बाद बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा। स्टिल इन दोनों में बहुत फर्क है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना, वैसे वैसे ये वापस चॉकलेट जैसा हार्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा जो हमारे चॉको बार्स रहते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह की चॉकलेट का लेयर रहता है, तो वो जब आप बाइट लेते हो तो वो उसके फ्लेक्स निकलते हैं, वो टूटता है, ब्रिटल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह वापस जम जाएगा। वाइल जो ये गनाश होता है ना, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जमेगा तो, लेकिन ये होता है जैसे आपके चॉकलेट केक के ऊपर जो लेयर रहती है ना वो, यानी कि आप इसमें बाइट मारेंगे तो भी ये स्मूद ही आपको मिलेगा, तो ये फर्क रहता है। तो जहां कहीं आपको वो स्मूद वाला चॉकलेट वाला इफेक्ट चाहिए, जैसे कि मैं बना रही हूँ सैंडविच कुकीज, तो उसके बीच में हम ये वाला भरेंगे, एकदम ये सॉफ्ट रहेगा ठंडा होने के बाद भी, और उसको कोट करेंगे इससे, बड़ा मजेदार लगेगा। तो ये हो चुका है रेडी, इसे रखेंगे साइड में और इसे मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ। आप इसे 20-20 सेकेंड करके माइक्रोवेव कीजिएगा, एक साथ ही नहीं, वरना ये बर्न हो सकता है।
और यहाँ पे मेरा जो चॉकलेट है वो भी मैंने मेल्ट करके तैयार कर लिया है, ये कम है, मुझे बाद में और भी बनाना पड़ा था। बट देखिए, आप इसे माइक्रोवेव में इस तरह स्मूद हो जाने तक मिक्स कर लीजिए, वार्म कर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी तो ज़रूर कि मैं क्या कर रही हूँ, बट आप थोड़ा देखिए ध्यान से, तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि क्या करना है। आप एक एक मारी कुकी लीजिएगा, इसको जो चॉकलेट वाला जो हमारा कॉन्कॉक्शन है ना, ये भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म नहीं। इसमें डुबोइए एक एक बिस्किट, सारा जो गीलापन है ना, बूंदे हैं कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन की, वो झाड़ दीजिए। इसके बाद फिर आप इसके बीच में, मतलब दो कुकीज़ के बीच में आप ये गनाश लगा दीजिए, उन दोनों को सैंडविच कर लीजिए और फिर इसको चॉकलेट से इस तरह कोट कर लीजिए। फोक की हेल्प लीजिएगा, इससे लेयरिंग इवन होती है, सारे जो साइड्स हैं ना उस पर भी अच्छी तरह ढक जाए चॉकलेट से, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा चॉकलेट झाड़ दीजिए और इस तरह पार्चमेंट पेपर के ऊपर लाइन कर दीजिए और इस तरह आप सारे सैंडविच बना सकते हो। इसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर ही लाइन कीजिएगा क्योंकि फिर इसको ना पुल ऑफ करना इजी हो जाता है, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा, चॉकलेट है ना, तो इसलिए पार्चमेंट पेपर लगाइए। बिना पार्चमेंट पेपर के लगाओगे तो चॉकलेट जैसा मैंने बताया चिपक जाएगा, फिर आप उसे हटाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो सैंडविच है वो टूट सकता है या नीचे की लेयर वहीं चिपकी रह जाएगी। इसलिए बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, इनफैक्ट जो रैपिंग पेपर होता है ना, किचन रैपिंग पेपर, फूड रैप पेपर जो होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान दीजिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। और मैं ये सारे सैंडविच एक एक करके बना लूँगी और बनाने के बाद मैंने रख दिया था इन्हें फ्रिज में, तुरंत कर लेते हैं पुलाव। मैंने पैन के अंदर लिया है थोड़ा सा ऑयल, डालेंगे शाही ज़ीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता, एक बड़ा सा अनियन काट करके डाला है, इसको लाल नहीं करना, एकदम हल्का सा भूनना है 30 सेकेंड जैसा। और इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर कैरेट्स और अनियन को साथ में थोड़ा सा कैरमलाइज करेंगे, साथ में भूनेंगे, लाल नहीं करना है, थोड़ी देर बस भूनेंगे इनको। और ऐड किया है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी थोड़ी देर भूनेंगे, मतलब तब तक जब तक इसकी रॉ स्मेल चली जाए, बहुत लाल कुछ भी नहीं करेंगे। ऐड कर दिया है मैंने यहाँ 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्ची काट करके, सारी चीज़ें वापस से मिक्स करेंगे। आप देखिए जो सब्जियां हैं वो इंटैक्ट है, उनका शेप अभी तक लूज़ नहीं हुआ है। ऐड करेंगे इसके अंदर बिरयानी मसाला, बहुत छोटी चम्मच से मैं डाल रही हूँ, आधा आधा दो बार, तो यानी 1 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला, थोड़ा हल्दी पाउडर, हल्का सा लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, फ्रोज़न मटर। और अब अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, जो ये हमने कच्चे अभी इसमें पाउडर मसाले डाले हैं ना, वो भी थोड़ा सा भुन जाएगा, सब्ज़ी भी थोड़ा भुन जाएगा। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, कटा हुआ पनीर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लीजिए और इसे 2-4 मिनट भूनते भूनते आपको पकाना है। सब्ज़ी की शक्ल देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मिक्स वेज तैयार हो गया हो। जब ऐसी आपको अच्छी ड्राई ड्राई सब्ज़ी लगने लगे तो ऐड कर दीजिए आपका राइस, अच्छी तरह से फोल्ड कर दीजिए राइस को सब्जियों के अंदर, और बस इन नो टाइम आपका अमेजिंग सा पुलाव तैयार हो गया है। और ट्राई ज़रूर देना, ये बहुत ही अच्छा बना था, इसकी शक्ल भी बहुत प्यारी है, इसका टेस्ट और उससे भी ज़्यादा तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही थी। गिव इट अ ट्राई। देखिए मेरा बहुत अच्छा वाला पुलाव जो है तैयार हो चुका है, इसमें मैंने अपना ही बिरयानी मसाला डाला है जो पहले मैं घर में बनाती थी, अभी मैं उसको कमर्शियली बनाती हूँ और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड लुक एट दिस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस मैं इसे अब फटाफट सर्व करूँगी और मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, वो जो बना रहे थे ना हम लोग सैंडविच वाले बिस्किट, उसका चॉकलेट है ना थोड़ा सा बच गया था, तो व्हाट आई डिड लेट मी शो यू। वो मैंने उससे ये आमंड रॉक्स बना दिए हैं और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। इसमें मैंने आमंड्स डाले, आप चाहें तो इसमें पीनट्स डाल सकते हो, काजू भी डालते हैं बहुत लोग, बट ये बेसिकली आमंड्स के साथ बेटर लगता है, पीनट्स के साथ सेकेंड नंबर पर अच्छा आपको लगेगा। और ये जम भी गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो बचे हुए मेल्टेड चॉकलेट में आप कोई भी नट्स मिला के रख दीजिए तो भी वो अच्छे हो जाते हैं, बच्चे यूजुअली नट्स नहीं खाते, दैट मीन्स तो पूरा चट कर जाएंगे। तो ये मेरे आमंड रॉक्स भी तैयार हो चुके हैं और वो जो बिस्किट है सैंडविचेस वो रख दिया मैंने फ्रिज में, थोड़े सेट हो जाएंगे, तो ये जो है ना पुलाव खाने के बाद उसको टेस्ट करेंगे।